नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। 13वें साउथ एशियन खेलों में भारतीय वॉलीबॉल टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके कैप्टन अमित का आज सिरसा में जोरदार स्वागत किया गया और सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने खिलाड़ी अमित को सम्मानित किया। सिरसा के शास्त्र नामजी बॉयज कॉलेज के छात्र हैं अमित और नेपाल में चल रहे हैं साउथ एशियन खेलों में केवल भारतीय वॉलीबॉल टीम का नेतृत्व किया बल्कि गोल्ड मेडल भी जीता। फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने कहा कि अब उनकी नज़र ओलंपिक में क्वालिफायर पर रहेगी। वहीं सिरसा के उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि अमित नेपाल में चल रहे साउथ एशियन खेल में भारतीय टीम के कैप्टन थे, जिनके नेतृत्व में टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, जो बहुत खुशी की बात है, जिसके सम्मान में यह समारोह रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी को उनसे सीख लेनी चाहिए। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल से विशेष रिपोर्ट। इसने मुझे स्पोर्ट्स का तो सर हम तो स्टार्ट